हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजिया। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और डोनापोला बीच से निकलकर अब हम जा रहे हैं करेंसलम बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है पणजी में, करेंसलम बीच। मोबाइल में सीधे बताना तो हम आ गए हैं करेंसलम बीच पे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं, सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ पर। चलो अंदर चल के देखते हैं। वैसे यहाँ पर रेसिंग चल रही थी, कुछ देर हम खड़े रहे, उसके बाद हमें क्रॉस करने दिया रोड। इतना ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो लीटर करके जाते हैं। जैसे ये बीच पे देखो, सब कचरा दिख रहा है पड़ा हुआ साइड में। प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, डस्टबिन होती है लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। डाइपर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ आवर लैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा बीच है, नीट और क्लीन। और यहाँ का पानी भी बहुत क्लीन है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ पर। दो तीन लोग हैं जो बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं और कोई भी नहीं है। बहुत सारे शेल्स आ रहे थे पानी के साथ, शेल्स मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए साथ ले जाने के लिए अपने घर पर। पणजी में बहुत अच्छा बीच है ये करेंसलम बीच, बहुत मज़ा आया। अगर आप गोवा जाते हो तो पणजी में ये बीच ज़रूर विज़िट करना। अब यहाँ से निकलकर हम जा रहे हैं वर्जिन मैरी चर्च। पणजी का बहुत ही फेमस चर्च है ये। सो चलो चलते हैं। हमने सोचा, बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है उस चर्च में, तो हमने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। वैसे बहुत सारे चर्चेज हैं यहाँ पर सेम नेम से, परफेक्ट नेम आप डालना वरना आप कोई भी चर्च पर पहुँच जाओगे। जैसे मैंने कहा, हम पहुंच गए थे रॉन्ग चर्च पर। अब हमने फिर से लोकेशन डाला है, अब फिर से हम ढूंढते हैं। ओके, नहीं चलो वहाँ पे ही चलो। बहुत घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं वर्जिन मैरी चर्च, जो कि बहुत फेमस है और बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पर। सो हमारी बाइक पार्क करते हैं और अंदर चल के देखते हैं। सो ये है वो चर्च जिसको हमने एक घंटे तक ढूंढा है। लोकेशन डालकर गूगल हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहा था, लेकिन आखिरकार हमने ढूंढ लिया। चर्च में अंदर भी जाना होता है लेकिन पता नहीं क्यों आज क्लोज है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमने ऐसे बाहर से ही ऐसे ही वीडियो बना ली। और अब हम चलते हैं मीरामर बीच पर। हम लोग जब पणजी आए ना इस चर्च के पास, तो हमें एक अंकल मिल गए थे। उन अंकल ने कहा कि आप चर्च घूम कर आओ, फिर मैं आपको बोटिंग करने ले जाता हूँ। 1 आवर की बोटिंग होती है और अभी इवनिंग टाइम में बहुत मज़ा आता है। 1 आवर तक वो आपको सी में ले जाते हैं घूमने के लिए। तो हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं, तो हम चल रहे हैं अंकल के पीछे।
ये है मीरा सोल। हम आए हैं मीरामर बीच पर और अब हम चलते हैं बोटिंग के लिए। अंदर चल के देखते हैं कैसा है। पर पर्सन 450 इस बोट राइड की टिकट है। हमने ले ली है टिकट और बोट में हम बैठे हैं। अब देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। और इन्होंने कहा है डॉल्फिन भी आपको शो होती है, लेकिन ऐसा किसी को भी शो नहीं होती है डॉल्फिन। बहुत सारे टूरिस्ट कहते हैं कि लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन डॉल्फिन जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन व्यू जो आता है ना बोट में से, बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग और बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी जाओ इवनिंग टाइम में यहाँ पर जाना, बहुत मज़ा आता है। मेरे प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था फोर्ट अगवाड़ा और फोर्ट अगवाड़ा जेल म्यूजियम। ये वही है जो बोट में से नजर आ रहा है, ये वो लोग यहाँ से दिखाते हैं। और ये जो सामने बंगलो दिख रहा है, ये 100 करोड़ का बंगलो है। इसमें हसीना मान जाएंगी फिल्म की शूटिंग भी हुई है। और ग्रीनरी है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है समंदर के साथ। इस बोट राइड में बहुत मजा आया, बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।